faster in Japanese language. जी हाँ, आज का ये जो वीडियो है ये आपको इन चार टिप्स जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं सभी का समराइजेशन है. अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जापनीज लैंग्वेज में फास्टर ग्रोथ के लिए, तेज़ी से इसमें सक्सेसफुली आगे बढ़ने के लिए, अगर इन चार पॉइंट्स को आप हमेशा हमेशा याद रखेंगे, अगर एडवांस सॉरी बेसिक से लेकर एडवांस तक जाते जाते आप इन चार पॉइंट्स को हमेशा याद रखेंगे, पैरेलली पैरेलली हमेशा सोचते सोचते अपनी पढ़ाई को करेंगे, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा. आपकी फास्टर बल्कि फास्टेस्ट ग्रोथ होगी जापनीज लैंग्वेज सीखते समय. तो चलिए शुरू करते हैं. मेरा नाम है रवि, वेलकम टू निहोंगोमैक्स, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला पॉइंट जो कि है कड़वा सच, जापनीज लैंग्वेज बहुत मुश्किल है. जी हाँ, ये तो आपने हज़ारों बार सुना होगा. जो लोग जापनीज लैंग्वेज सीखना शुरू करते हैं वो हमेशा हमेशा इस चीज़ को बार बार ये बोलते हैं. पढ़ते पढ़ते भी वो यही सेंटेंस बनाते हैं, निहोंगो वा मुज़ुकाशी दिस. मुज़ुकाशी का मतलब होता है मुश्किल. तो जापनीज लैंग्वेज एक मुश्किल लैंग्वेज है. तो ये है सबसे कड़वा सच, मैं कहूँगा सच ना हो करके ये एक झूठ है. लोग हमेशा ऐसा बोलते हैं क्योंकि उनको सही तरीका नहीं है पता पढ़ने का. तो सबसे पहले अगर हम उस चीज़ को एक बारी समझ लें तो स्टार्ट फ्रॉम स्पीकिंग. हाँ जी, इसका सॉल्यूशन ये है कि स्टार्ट फ्रॉम स्पीकिंग. जैसे देखिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि आप जर्मन लैंग्वेज सीखें, पॉर्चुगीज़ लैंग्वेज सीखें, फ्रेंच लैंग्वेज सीखें, तो उसमें तो अल्फ़ाबेट्स ए बी सी डी वाले ही अल्फ़ाबेट्स होते हैं. उनको ज्वाइन करके जो वर्ड्स बने होते हैं उनकी प्रोनंसिएशन को आपको सीखना पड़ता है. तो एक इवेंचुअली बच्चा करता क्या है, फाइनली वो स्पीकिंग ही सीखता है, बोलना ही सीखता है. उसको लिखना दूसरी स्क्रिप्ट की लैंग्वेज की बात अलग है, अरेबिक वगैरह उनकी बात अलग है. लेकिन अगर हम किसी फॉरन, जैसे हम इंडियंस हैं, तो हमारे लिए मान लीजिए फ्रेंच अगर एक फॉरन लैंग्वेज है, तो फ्रेंच लैंग्वेज जब आप सीखेंगे तो स्पीकिंग सीखें. अब स्पीकिंग से क्या होता है, अब स्पीकिंग जब आप करते हैं तो उसका मीनिंग आपके दिमाग में आता है, और मीनिंग से फिर उस वर्ड का भी मीनिंग और उसके अंदर जो ग्रामर कॉम्पोनेंट है उसका भी मीनिंग दिमाग में आता है. देखिए, जो लोग जापान जाते हैं, मान लीजिए जापान में एक साल रहे, दो साल रहे या छः महीने भी रहे, तो उनकी स्पीकिंग जो है वो बहुत ही तेज़ हो जाती है. स्पीकिंग बहुत ही अच्छी हो जाती है क्योंकि वो बोलना भी पड़ता है और वो सुनना भी पड़ता है. लेकिन ये उनको भी बात पता नहीं चल पाती कि उनकी रीडिंग भी अच्छी हो जाती है. क्यों? क्योंकि रीड करते समय जब कोई कांजी आती है तो उसका थोड़ा बहुत प्रैक्टिस अगर पहले से है तो उसकी रीडिंग क्विकली पता चल जाती है, क्योंकि यूजुअली वही बोला जाता है, रोज़ वही बोलते हैं. जैसे कुनी नो केजाई हत्ते नी तो मनाते जिंको मो जोकाश्ते की माश्ता. तो इसमें जिंको एक कांजी है, केजाई एक कांजी है, हत्ते ने कांजी है. तो सबसे बड़ी गलती, चाहे वो बिगनर्स हैं चाहे वो N5 के स्टूडेंट्स हैं, सबसे बड़ी गलती वो ये करते हैं, सबसे पहले कांजी के पीछे पड़ जाते हैं, सबसे पहले कांजी सीखना शुरू कर देते हैं. उनको लगता है कि सबसे मुश्किल चीज़ जो है, सबसे मुश्किल कांजी है. जब तक ये हर्डल पार नहीं होगी मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, मुझे स्पीकिंग कैसे आएगी, मुझे मीनिंग्स कैसे आएंगे, मैं बात कैसे कर पाऊंगा, मैं काइवा कैसे कर पाऊंगा. तो इसका ठीक उल्टा करना है आपको. सबसे पहले आपको काइवा से शुरू करना है, चाहे आप सब कुछ हीरागाना में करें, चाहे कांजी छोड़ के भी. अगर आप इवन मैं कहूँगा हीरागाना छोड़ के भी आप इंग्लिश स्क्रिप्ट से उस वर्ड की प्रोनंसिएशन अच्छी तरह से करने लग गए. अगर आपको, आपने देखा होगा, देखिए अगर आप थोड़े उन लोगों से मिले जो जापनीज लैंग्वेज सीख चुके हैं, जो वर्क कर रहे हैं, तो काफ़ी सारे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो स्पोकन में तो बहुत एक्सपर्ट हैं लेकिन कांजी पढ़ने में या फिर कांजी लिखने में या इवन रिकॉग्नाइज करने में उनको काफ़ी मुश्किल आती है, उनका लेवल भी कोई क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी वो अच्छा कमा रहे हैं. तो बात यहाँ पर मैं कमाई की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात ये कर रहा हूँ कि आप रिकॉग्नाइज करिए पहले स्पीकिंग से मतलब प्रैक्टिस करिए, उसके बाद रिकॉग्निशन करना आपके लिए आधा काम हो जाएगा. अगर बिना कुछ सीखेगा, अगर आप रिकॉग्नाइज कर, पहली बात तो लिखते हैं वो भी और भी मुश्किल, फिर मैंने अपने वीडियोज़ में बताया कि आप लिखने से पहले रिकॉग्नाइज करने का काम करिए तो वो उसका आधा मुश्किल. अब इसका भी आधा यानी कि बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप स्पीकिंग से शुरू करें. सबसे पहले आगे आगे कोर्स को स्पीकिंग में डालें, उसके बाद फिर आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कांजी, उसके बाद लिख सकते हैं. ये सबसे बेस्ट तरीका है जो कि इस कड़वे सच को, कड़वे झूठ को बिल्कुल ही ख़त्म कर देगा. इसको अप्लाई करके ज़रूर देखिए. तो ये बात थी पहले पॉइंट की. अब हम बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट पर. देखिए, इन पॉइंट्स को हमेशा हमेशा ध्यान रखिए, इसी सीरीज में ध्यान रखिए. तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर टू. जी हाँ, पॉइंट नंबर टू है फ़ायदा ऑफ फर्स्ट पॉइंट. देखिए, फ़ायदा ऑफ फर्स्ट पॉइंट का क्या मतलब है कि आपको इस चीज़ का एक फ़ायदा भी सोच के चलना चाहिए कि अगर मेरे लिए मुश्किल है तो बाकी सब स्टूडेंट्स के लिए भी तो मुश्किल ही है ना. अगर मेरा टारगेट एक जॉब है तो ज़्यादातर बाकी सब स्टूडेंट्स का भी टारगेट जॉब ही होगा या फिर जापान जाना होगा या फिर जो भी टारगेट है, तो सबके लिए मुश्किल है अगर ये मुश्किल है तो. और अगर आपने इसको अपने लिए आसान बना लिया तो ये तो बल्कि एक प्लस पॉइंट बन गया कि दूसरों के लिए मुश्किल है, मेरे लिए आसान है. थोड़ा सा साइकोलॉजिकल पॉइंट है, हमेशा हमेशा इसको सोच के चलिए. अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर थ्री. जी हाँ, पॉइंट नंबर थ्री थोड़ा सा वास्ट है, थोड़ा सा साइकोलॉजी से रिलेटेड है. सबसे पहली बात होती है ट्रस्ट.
फियर एंड प्रैक्टिस, यानी कि ट्रस्ट के ऊपर भी मैंने काफ़ी चीज़ें बताई कि सबसे पहले ट्रस्ट करिए, आस्क योरसेल्फ, सबसे पहले अपने आप से पूछिए कि क्या सच में मेरे लिए एक जॉब पाने का टूल है, एक मेरे लिए बोझ है, एक मेरे लिए मुसीबत है। और एक तरीका होता है कि नहीं, मुझे चाहे कितना भी मुश्किल हो, आसान मेरे को आगे आगे बढ़ते जाना है, वो अपने आप आसान हो जाता है। ये चीज़ तो मैंने पहले भी सिखाई थी, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आस्क योरसेल्फ का मतलब है कि आप अपने आप से पूछिए कि क्या सच में मैं एंड तक जाऊंगा, बीच में छोड़ूंगा तो नहीं इसको। तो अगर आपने तभी छोड़ दिया तो भी अच्छा ही है, उसकी जगह कुछ और करेंगे, लेकिन अगर आप एंड तक जाते हैं तो ज़रूर ज़रूर आपको इससे एक बहुत अच्छा सक्सेसफुल करियर मिलेगा, जो कि है पॉइंट नंबर 4, बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग जापानीज लैंग्वेज। जी हाँ, इसके ऊपर मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है, इस वीडियो को भी आप अच्छी तरह से देखिए। और इसमें जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया, एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ कि सबसे पहली बात कि जैसे IIT, मेडिकल इंजीनियरिंग, बड़े सारे लंबे कोर्स जिसमें लॉजिकल थिंकिंग, जनरल नॉलेज सब कुछ लगाना पड़ता है, जापानीज लैंग्वेज उसके कंपैरिजन में काफ़ी आसान है। उन कोर्सेज को सीखने में जितने साल लगते हैं उससे काफ़ी कम टाइम लगता है जापानीज को सीखने में, और उससे ज़्यादा अच्छी जॉब से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा जापानीज लैंग्वेज को सीखने का बेनिफिट है। मैंने इस वीडियो में कई बार ये भी बताया है कि मतलब काफ़ी सारी चीज़ें और भी बताई हैं कि खाली जॉब ही नहीं, इसमें आपको इंटरनेशनली लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, आपको जापान ट्रैवल करने का मौका मिलेगा, ज़्यादातर केसेस में अगर आपकी प्रोफिशिएंसी है तो आपको फ्री में भी जापान ट्रैवल करने का मौका मिलेगा, जिससे आपको वहाँ पर जॉब करने की अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह पता चलेंगी। काफ़ी लोगों ने अपना करियर शिफ्ट वहाँ पर भी करा है क्योंकि पहली बार में उनको जापान इतना पसंद आया और धीरे धीरे उनको इंटरनेशनल कल्चर पता चला। तो ये एक हिडन बेनिफिट है जो कि कोई भी आसानी से बताता नहीं है। सब लोग स्टार्ट करते हैं कि मुझे एक 20-30 हज़ार रुपये की जॉब मिल जाएगी, बस दैट्स इट, मेरी लाइफ सिर्फ इतनी है। एंड में मैं समराइज़ करने के लिए फिर से आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहली बात आपके पास पैशन होना चाहिए, आपको रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। रिस्क टेकिंग का क्या मतलब है कि बहुत बड़ा रिस्क नहीं है, जो कि मैंने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि इससे काफ़ी मतलब कन्वेंशनल करियर से काफ़ी अच्छा है। सिर्फ रिस्क कैलकुलेशन आपको ये करनी है कि भाई स्टार्टिंग करने से पहले ही मुझे सोचना है कि क्या मैं कर सकता हूँ। एक महीना करके भी देख सकते हैं, फिर आप सोच सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि एक महीना अगर आपने कर लिया तो फिर आप एक साल भी कर सकते हैं, एक साल अगर आपने कर लिया तो 1.5 साल भी कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आप बहुत अच्छी जॉब और इंटरनेशनल करियर को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा। इसमें अगर आपके कुछ भी क्वेश्चन हों, कोई भी डाउट्स हों, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।